इफ क्वेश्चन पी क्यू माइनस आर अक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी अक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक रिमार्क लिखवाना चाहूँगा। रिमार्क छोटा भले ही हो लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ आपको। हाँ, तो एक रिमार्क लिखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रिमार्क नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है रिमार्क, तो लिखिएगा रिमार्क। हाँ जी, छोटा ही है रिमार्क होने पे। ध्यान से देखिएगा कि इफ कोफिशियंट, कोई दिक्कत थोड़ी ना आपके, नहीं, कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर, है ना, फिर देन देन ट्राई अक्स इक्वल टू वन एंड अक्स इक्वल टू माइनस वन। ध्यान से सुनिएगा भाई, इसने ऐसे बोला है कि ध्यान से, हाँ ओके, प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर क्या है बच्चे, ये सारी बातें हम करते हैं। अच्छा, आपके पास ये दिक्कत आ रही है तो इसको ले आओ भाई, इधर आ जाओ भाई, तू इधर आ जा। क्लियर है? हाँ जी, रिमार्क के लिए, रिमार्क में आपको जो लाइटिंग दिख रही है उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है आपको रिमार्क है ये। हाँ, रिमार्क में लिखा है मैंने कि इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन साइक्लिक ऑर्डर देन ट्राई अक्स इक्वल टू वन। बेटा ध्यान से देखिएगा, साइक्लिक ऑर्डर में अगर कोफिशिएंट हो तो उसको साइक्लिक कोफिशिएंट बोला जाता है, और साइक्लिक कोफिशिएंट होता है क्या है, ये बात आपके आपके माइंड में है तो ये बात हम क्लियर कर देते हैं। साइक्लिक ऑर्डर बेटा ध्यान से देखिएगा, ये जो पी माइनस आर है, फिर आर माइनस पी है, फिर पी माइनस क्यू है, ये जो ऑर्डर चल रहा है आपका अल्टरनेट का, जो ऑर्डर चल रहा है, इसी को साइक्लिक ऑर्डर बोला जा रहा है। ये ऑर्डर देखो, हाँ ये ऑर्डर मैं नया लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ कोई भी ऑर्डर हो, क्यू माइनस आर, फिर आर से स्टार्ट होके आर माइनस क्यू, आर माइनस पी, फिर पी माइनस क्यू, साइक्लिक, एक साइकिल में ऑर्डर हो रहा है तो उसको साइक्लिक ऑर्डर बोला जाता है। जब बेटा साइक्लिक ऑर्डर हो तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आर इक्वल टू वन रखे इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं कि ट्राई, ओके, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, जो रिमार्क लिखवाया है वही सदा छोटा सा रिमार्क है लेकिन इम्पोर्टेंट रिमार्क है। हाँ, तो अब ट्राई करते हैं अक्स इक्वल टू वन रखे बच्चे, जब अक्स इक्वल टू आप वन रखोगे तो रखिएगा, सारे बच्चे अक्स इक्वल टू वन रखेंगे तो अक्स की जगह वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। ओके, अगर ठीक है बातें तो इसका थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने पे क्या बनता है, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो क्या क्या बनने वाला है, मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है पी आर से पी आर, क्यू आर से क्यू आर, और ये पी आर है इससे पी आर। ओके, तो इधर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है और इस साइड भी जीरो बन रहा है। ऑल राइट है भाई, सारे बच्चों को कमेंट वाला थोड़ा सा और नीचा कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, चलो करते हैं आगे। तो हाँ, इसके एक रूट क्या हो गया है भाई, वन हो गया है, तो एक रूट वन हो गया है तो हमारे बस इसी बात का हमें खुशी है कि एक रूट वन है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। हाँ, ये यानी कि एक रूट वन है तो दूसरा रूट भी वन हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक रूट वन है तो दूसरा रूट भी वन हो गया है। क्या किया जाए इस वन का, बस अब मैं कुछ कुछ बातें आपको यहाँ नोट करवाना चाहूंगा, कुछ बातें यहाँ नोट करवाना चाहूंगा कि हाँ, जीरो इक्वल्स टू जीरो है तो सेटिस्फाई हो गया है आपका,
लिख दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है तो। सेटिस्फाइंग बाई एक्स इक्वल टू वन, हाँ जी एक्स इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं आपकी, ठीक है। तो यहाँ जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ वो लिख दीजिएगा थोड़ा सा, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। इसका एक रूट वन है तो दूसरा रूट भी वन हो गया है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल रूट है इसके, हैज इक्वल रूट, देन प्रूव दैट रूट्स, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। चलो कर देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो क्या लिखना है आपको कि एक्स इक्वल्स टू वन ए रूट है, एक्स इक्वल्स टू वन ए रूट बट इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सो अनदर रूट विल ऑल्सो बी वन। सो ऑल्सो दी वन रूट्स वन कोमा वन। अच्छा इसको नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट्स क्या हो गया आपको, वन कोमा वन। अब मेरे को एक ही कहानी समझनी है बस, कि भाई हमारे पास से दोनों रूट आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दोनों रूट आपके वन वन आया है, तो वन वन का करे क्या, वन वन का करे क्या। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका करे क्या, इसका करे क्या, इसका करे क्या। ठीक है भाई, सारे बच्चों को क्लियर है सारी बातें। अच्छा इनको करना क्या है, ध्यान से सुनिए क्या। हम टेंथ क्लास से पढ़ के आए, एक तो हमारा सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट आपका टू हो गया है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका वन क्रॉस वन इक्वल्स टू वन हो गए, सारी कहानी यहाँ आती है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या होता है, सी बाई ए होता है, और ये होता है आपका माइनस का बी बाई ए। ओके हाँ, तो इसको उठा देता हूँ, ये आपको पता है, बस हमें यही पता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें डालनी थी, वो ये बात है प्रोडक्ट ऑफ रूट। हम इस क्वेश्चनों में इस तरीके का यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी बाई ए। सी बताइएगा इसका, सी है आपका ये, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, आर P माइनस क्यू। हाँ जी, C आपका ये है, ध्यान से सुनिएगा, C आपका ये है और A आपका ये है। ये हमारी बातें हो गई थी सारी, तो ये C बाई A, A क्या है आपका P Q माइनस R इक्वल टू वन दिया गया है। हाँ जी ऑल राइट, इसको सोल्व कर लीजिएगा, हो गया है हमारा काम, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, काम कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो हमने लाइन ली है वो पहली रिमार्क वाली लाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। इस लाइन छोटी भले ही हो लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी आर। अच्छा पी आर, पी आर को एक साइड ले आए, ये पी आर इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू पी आर हो जाएगा, हाँ और इधर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर हो गया है भाई सभी का। हाँ जी एस हो गया है हमारा काम, इसको डिवाइड मार दीजिएगा पी क्यू आर से, खत्म हो गई ये कहानियाँ। इसको पी क्यू आर से डिवाइड मारते ही जो प्रूफ करवाया था उसने ऑलरेडी हो गए हैं, इसको पी क्यू आर से डिवाइड मारते ही यहाँ देखिएगा,
हाँ जी, पी क्यू आर से डिवाइड मानते ही यहाँ हो जाएगा 2/Q इक्वल्स टू 1/, बोलिएगा भाई, 1/R प्लस 1/P। और जो हमसे प्रूफ करवाया था वो ये रहा। ध्यान से देखोगे ये आपका हैंड्स प्रूफ हो गया है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ जो आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये HP सीरीज है आपकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर 3 टर्म्स PQR हो तो उसका ये ओके ओके हेंस प्रूफ है। ये तो हेंस प्रूफ लिखा है हमने कि भाई प्रूफ हो गए हैं।